हेलो एवरीवन। ये देखिए प्याज अब ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मसालों को डालूंगी। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर ये कढ़ाई में लग रहे हैं तो हमें हल्का पानी डाल लेना है ताकि ये कढ़ाई पे सटे ना, और अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है। ये देखिए मसाले अब अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था अब मैं उसे ऐड कर दूँगी इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कढ़ाई के किनारे से तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, और मसालों को भूनते वक्त हमें फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है ताकि मसाले जले ना और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए मसाले अब बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी पानी, करीब 1 गिलास पानी मैंने यहाँ डाला है। अब हमें इसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से चलाना है और इसे ढक कर हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा ना खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सारे पनीर को डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट अब हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, और नमक को डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे प्याज जिसे हमने फ्राई किया था, और इसे डाल के हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। और यहाँ प्याज को डालने के बाद इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं।
अब हम यहाँ पे डालेंगे क्रीम। इसे डाल के हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याज़ा बनकर तैयार है। तो चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। इसे मैंने यहाँ एक प्लेट में सर्व किया है। ये देखिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी पनीर दो प्याज़ा बनके तैयार है। और आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। और यहाँ मैंने डाला है ऊपर से एक चम्मच क्रीम। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।